क्वेश्चंस करते हैं आज YDSC पे हम लोग, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं CBSE में जो है क्वेश्चन, और NCERT के सारे क्वेश्चन आज मैं तुम्हें करा दूंगा, जितने भी आए हैं सब कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो YDSC में किसी को दिक्कत है बच्चा? जो मैंने अब तक कराया मैथमेटिकल फाउंडेशन, कोई दिक्कत है उसमें बच्चा? फ्रिंज वेट, एंगुलर फ्रिंज वेट, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ बनेंगे, पाथ डिफरेंस, ठीक है बच्चा। आज क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, बिल्कुल लल्लू सवाल है बट स्टिल कराना मेरा धर्म है क्योंकि ये CBSE में आया हुआ है। CBSE 2003 का सवाल है ये। उन्होंने बोला कि दो दो वेव्स हैं, टू वेव्स, ठीक है, और उनके एम्पलीट्यूड दे रखे हैं। एक का ए एम्पलीट्यूड है, दूसरे का क्या है, 2A एम्पलीट्यूड है, ठीक है जी। और उनका बीच में फेज डिफरेंस जो है, दो वेव हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस दे रखा है आपको π/3। ये दोनों वेव क्या कर रही हैं, सुपर इंपोज कर रही हैं। ये दोनों वेव क्या कर रही हैं, सुपर इंपोज कर रही हैं। तो CBSE ने क्या पूछा, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। शर्म आ रही है मैं पूछते हुए, बट ये CBSE ने सवाल पूछा था, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था बच्चा आपको कि अगर दो वेव हैं और वो सुपर इंपोज कर रहे हैं, तो उनका जो ए नेट का फॉर्मूला था बच्चा, वो था ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इनटू कॉस ऑफ फाइव, वेयर फाइव वाज नथिंग बट फेज डिफरेंस। तो इस चमत्कारी फॉर्मूले में बस आपको A1 की वैल्यू पुट करनी है A, और A2 की वैल्यू पुट करनी है 2A, और cos phi, phi की वैल्यू पुट करनी है आपको π/3। तो ये लल्लू सवाल CBSE ने पूछा था, इसमें कोई डाउट हो किसी को बता दो, अदरवाइज बहुत ही सिंपल सवाल है। हाँ जी, √7A आ जाएगा बच्चा, वेरी गुड, शाबाश। तो ये लल्लू सवाल पूछा था, बिल्कुल पहले बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है जी बच्चा। फॉर्मूले याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, सिंपल सी बात ये। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है किसी डाउट होगा, है तो बता देना प्लीज, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है जी। अब उसने बोला दो सोर्स हैं, टू सोर्सेस, एक की इंटेंसिटी आई है, दूसरे की इंटेंसिटी 4I है। एक सोर्स S1 मान लो, उसकी इंटेंसिटी आई है, दूसरे की 4I है। ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और आपको पूछा गया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है आपको। तीन जगह पूछी है इसने, एक तो वहां जहां पे फेज डिफरेंस जीरो हो, सेकेंड कहां पूछा, जहां पे फेज डिफरेंस आपको दे रखा है π/2, तीसरा पूछा उसने जहां पे फेज डिफरेंस दे रखा है बच्चा आपको पास π। तो आपको बस ये सिंपल बताना है, तो पहले मैंने ए नेट का फॉर्मूला याद कराया। इस क्वेश्चन से मैं क्या बता रहा हूं बच्चा आपको, इस क्वेश्चन से हम करेंगे बच्चा आई नेट का फॉर्मूला। आई नेट का फॉर्मूला आपको याद है, वो था I1 प्लस I2
प्लस टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ आई वन रूट ऑफ आई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव। आई वन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है बच्चा, आई दे रखी है। आई टू की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चा, फोर आई दे रखी है। बस पुट करना है, ऐसे लल्लू सवाल में करा करा के आपको टाइम पास नहीं करना चाहता। यहाँ पे फाइव की वैल्यू बस पुट कर देना, जीरो फाइव बाई टू और फाइव। क्या ये सब लोग कर लोगे टाइम पास करूं इस पे? सीबीएसई ऐसे सवाल पूछ रही है, बट मैंने एक एक वैरायटी करा दी आपको ताकि फॉर्मूला याद रहे आप। नाइन आई आएगा भाई, सेवन आई नहीं आ रहा, नाइन आई आएगा जब फाइव मेरा जीरो है। नाइन आई आएगा, गुड शाबाश। अरे भाई ऐसे सवाल कराऊं या ऐसे इजी है, छोड़ दूं इनको मैं। अगले का फाइव आई, गुड शाबाश। नाइन आई, फाइव आई और आई, शाबाश बिंदु, वेरी गुड, शाबाश। तो ऐसे लल्लू सवाल सीबीएसई पूछती है, ठीक है जी। तो पहले वाले फॉर्मूले से मैंने एम्पलीट्यूड रटवाया आपको, सेकंड फॉर्मूले से मैंने इंटेंसिटी रटवा दिया आपको, ठीक है जी। अब तीसरा फॉर्मेट और बाकी है वो करा दूं, कंप्लीट हो जाएगा सारा काम, फिर अच्छे सवाल पे आएंगे। चलो करते हैं नेक्स्ट सवाल करें। अरे सबको आ गया ना, सबको आना तो बोल दो कम से कम। ठीक है, अब एक लास्ट फॉर्मेट और करा जाता हूं लल्लू सा, उसके बाद अच्छे सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है जी। फॉर्मूला बेस्ड है खाली, सीबीएसई फॉर्मूला बेस्ड पूछी थी पहले, अब एक और लास्ट फॉर्मेट जो बचता है इसका फॉर्मूला बेस्ड का वो करा देता हूं मैं। आपको दे रखा है बच्चा इसके अंदर कि YDSC एक्सपेरिमेंट है, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये ठीक ठाक सवाल है, सीबीएसई 2012 का सवाल है ये। YDSC में इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है बच्चा, वहां पे आपको इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है के। जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे इंटेंसिटी यानी आई नेट की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चा, के दे रखी है। और पूछा गया आपसे फाइंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज, तीन पार्ट पूछे हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है जी। तो तीन पाथ डिफरेंस दिए, तीनों पे आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक तो पहला पार्ट डिफरेंस देखा लैम्डा बाय फोर, वहां पे इंटेंसिटी निकालनी है। दूसरा पाथ डिफरेंस दे रखा आपको लैम्डा बाय थ्री, और तीसरा दे रखा आपको लैम्डा बाय टू। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। तो ट्राई करोगे इसे मैं कराऊं, अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाओ। योगिता ने आंसर भी दे दिया भाई, व्हाट इतनी जल्दी मत कर। सही है या गलत, कहां के लिए बताया तूने के बाय फोर,
लैम्डा बाय फोर के लिए बताया, पहले का आंसर गलत है फिर तेरा। चलो भाई मुझे कराना पड़ेगा थोड़ा, एक मैं करा देता हूँ, ये ठीक ठाक सवाल है तुमसे शायद ना हो रहा हो। देखो सुनो, कुछ बताना भी जरूरी है इसमें, सुनो। के बाय फोर सही नहीं है बच्चा, आप आई नॉट की वैल्यू निकाल रहे हो के बाय फोर, ठीक है जी। मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछ रहा हूँ, सुनो, दो मिक्स हो रहे हो आप लोग, सुनो। देखो बच्चा सुनो, आई नेट का जो फॉर्मूला था वो था आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ आई वन इंटू रूट ऑफ आई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव, ये फॉर्मूला था। अगर नॉर्मल वाई डी एस सी की बात करता हूँ, वाई डी एस सी में दोनों छेद बराबर होते हैं, दोनों छेद बराबर अनलेस कुछ चेंजेस किए जाए, ठीक है जी। तो अगर इससे इंटेंसिटी मेरे पास आई नॉट है तो इससे भी कितनी जारी होगी, आई नॉट जारी होगी। दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, आई नॉट। तो आई नेट की वैल्यू बच्चा जो आती है मेरे पास क्या आएगी, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ आई नॉट इंटू रूट ऑफ आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाइव, ठीक है बच्चा। तो ये बन जाएगा टू आई नॉट प्लस टू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाइव बन जाएगा, ये आई नेट की वैल्यू है बच्चा, ठीक है जी। अब सुनो, इसमें टू आई नॉट कॉमन निकाल लूं तो यहां बन जाएगा वन प्लस कॉस फाइव, वन प्लस कॉस फाइव, ठीक है जी। ये आई नेट का वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं जानता हूं वन प्लस कॉस फाइव जो होता है ना, जो मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं बड़े प्यार से, वन प्लस कॉस फाइव को मैं पुट कर सकता हूँ बच्चा क्या, टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, फोर आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो आई नेट का फॉर्मूला मेरे पास ये आता है किसके लिए, वाई डी एस सी के लिए, जब दोनों स्लिट से इंटेंसिटी सेम आए। नॉर्मली सेम आती है, अगर सवाल देगा तो कई बार चेंज भी कर देता है, कई बार स्लिट्स को छोटे बड़े कर देता है, तो उस हिसाब से इंटेंसिटी चेंज आती है। तो आई नेट की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा मेरे पास, ये फॉर्मूला आ रहा है। अब उसने बोला क्या था कि जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है, जहां पे, हाँ जी महक जी हाथ खड़ा किया आपने, ओके कोई बात नहीं बच्चा। सुनो भाई इसने क्या बोला, देखो सवाल को ढंग से पढ़ो बच्चा। इसने बोला जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे के है, मतलब आई नेट की वैल्यू के है, आई नेट की जो स्क्रीन जो बनता है मेरे पास स्क्रीन पे, जो जहां भी किसी पॉइंट पे जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे आई नेट की वैल्यू क्या दे रखी है, के दे रखी है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में हम रिलेशन जानते हैं बच्चा, पाथ डिफरेंस और के बाय टू सीम्स टू बी ऑल राइट, के बाय टू, यस मैक का सही है के बाय टू। तो सुनो बच्चा, अब मुझे आई नेट की वैल्यू के दे रखी है, लेकिन मुझे फाई तो नहीं पता, मुझे क्या दे रखा है, पाथ डिफरेंस दे रखा है। तो हम जानते हैं डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के अंदर वो मेरा डेल्टा फाई वॉज टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स था मेरे पास। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा दे रखा है, तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा ये मुझे क्या दे देगा, फेज डिफरेंस दे देगा। चमत्कारी फॉर्मूला, लैम्डा लैम्डा को मार दिया तो फाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2 पाई आ गई। यहां फाई को मैं 2 पाई पुट कर दूं, फाई को मैं 2 पाई पुट कर दूं तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 पाई बाय 2, यानी वैल्यू क्या आ गई पाई। और कॉस पाई की वैल्यू आप जानते हो बच्चा वो होती है -1, लेकिन स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 1। तो आई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स आई नॉट बन जाएगा। तो इससे मैं आई नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा, आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी के बाय 4। जो आप सबने निकाला बच्चा वो आपने आई नॉट की वैल्यू निकाली, मतलब इंटेंसिटी यहां की इंटेंसिटी निकाली है। अब उसने पूछा क्या, ऐसी जगह इंटेंसिटी बताओ जहां लैम्डा बाय 4 है, जहां लैम्डा बाय 3 है और जहां लैम्डा बाय 2 है। तो पहले पाथ डिफरेंस से आप क्या करोगे, फेज डिफरेंस निकालोगे। पाथ डिफरेंस से क्या निकालोगे, फेज डिफरेंस। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, लैम्डा बाय 4।
तो लैम्डा लैम्डा को मार दिया तो ये आ गया पाई बाई टू। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो बस, आई नेट का जो फॉर्मूला है बच्चा मेरे पास वो क्या है, फोर आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ फाइव बाई टू, ये फॉर्मूला मेरे पास है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो बस। तो इस फॉर्मूले में आई नेट निकालना है और आई नॉट की वैल्यू मैं जानता हूं कितनी आ रही है, के नॉट के बाय फोर है और कॉस स्क्वायर ऑफ फाइव बाई टू का स्क्वायर, फाइव बाई टू का हाफ यानी फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर मतलब वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास वन बाय टू। तो बच्चा ये क्या बन जाएगा, फोर के, फोर इंटू के बाय फोर इंटू वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर। तो फोर ने फोर को मार दिया तो ये वैल्यू क्या आ गई, के बाय टू। तो दिस इज द आंसर। कितने लोगों मेरी बात चमक गई है और कितने लोगों को बिल्कुल बात पल्ले नहीं पड़ी। हाँ जी आ गया। अब सेकंड पार्ट भी कर लो और थर्ड पार्ट भी कर लो। फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, जब भी दोनों की इंटेंसिटी सेम हो ना बच्चा, दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम, तो आई नेट का फॉर्मूला यूज कर लो, फोर आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ फाइव बाई टू। पाई निकालो दोनों के लिए, एक तो पाई बाई थ्री के लिए निकालना है पार्ट डिफरेंस के लिए और एक निकालना है किसके लिए, पाई बाई टू के लिए। तो पाई बाई थ्री के लिए फेज डिफरेंस आएगा मेरे पास, पाई बाई थ्री आ जाएगा लैम्डा बाई थ्री के लिए, सॉरी टू पाई बाई थ्री, और इसके लिए मेरे पास आ जाएगा कितना बच्चा, पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू पाई आ जाएगी। जो मेरा पास जो आंसर आ रहे हैं बच्चा, तुम ट्राई कर रहे हो क्या, कुछ लोगों ने सही आंसर दे दिए हैं जैसे मैक ने आंसर दिया था, बिंदु के आंसर सही है सारे, हो गया सबका, तीनों कर लिए हमने। आंसर बता देता हूं मैं, ठीक है जी, आंसर जो है वो लैम्डा बाय थ्री के लिए आ रहा है, लैम्डा बाय थ्री पार्ट डिफरेंस के लिए। आई नेट की वैल्यू जो आ रही है बच्चा वो आ रही है मेरे पास के बाय फोर, और लैम्डा बाय टू के लिए आई नेट की वैल्यू जो बच्चा मेरे पास आ रही है वो जीरो आ रही है। ये मेरे आंसर है सेकंड और थर्ड पार्ट के, सबके मैच कर गए, इसका मैच नहीं किया बता दो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सीबीएसई के लल्लू सवाल थे, ठीक है जी, बेसिक मैंने करा दिए आपको, अब और देखते हैं हम लोग, ठीक है जी। चलो ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, टाइम है हमारे पास काफी, ठीक है जी। इसी का एक और वर्जन सीबीएसई ने पूछा हुआ है, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है जी। क्या बोल रखा है, फाइंड द रेशियो, ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू पॉइंट्स पी वन एंड पी टू ऑन स्क्रीन इन वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट। वेन द वेव्स from source S1 and S2 have phase difference, पहला केस दे रखा है पाई बाई थ्री, दूसरा केस दे रखा है बच्चा आपको पाई बाई टू रिस्पेक्टिवली। तो निकालना क्या है बच्चा आपको, रेशियो निकालना है इंटेंसिटी का, कहां पे, आई पी पे, आई पी वन पे और आई पी टू पे, इन दोनों पॉइंट पे इंटेंसिटी का क्या निकालना है बच्चा आपको, रेशियो निकालना है। तो पी वन पे जो फेज डिफरेंस है, पी वन पॉइंट के लिए जो फेज डिफरेंस है मेरे पास वो कितना है, फाइव बाई थ्री है, और पी टू के लिए जो मेरे पास फेज डिफरेंस है बच्चा वो कितना है, फाइव बाई टू। पी वन के लिए फाइव बाई थ्री फेज डिफरेंस है, पी टू के लिए पाई बाई टू, किसके बीच में, S1 और S2 के बीच में। कर पाओगे,
3/2 गुड शाबाश मैक वेरी गुड बिंदु गुड शाबाश सीमा जी गुड शाबाश बाकी लोग स्पीड अप जल्दी करो फास्ट फास्ट तुम सब में एबिलिटी है करो गुड अदिति शाबाश चलो जी मैं कराता हूं ठीक है जी अभी बताया था मैंने आई नेट का फॉर्मूला क्या था बच्चा मेरे पास 4i0 ठीक है जी इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2 नीचे भी क्या आएगा 4i0 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 5/2 यहां 5 कितना दे रखा है आपका बच्चा 5/3 दे रखा है और ये इसके लिए तो क्या दे रखा है 5/3 और इसके लिए क्या दे रखा है बच्चा आपके पास 5/2 तो 4i0 ने 4i0 को मार देना है सिंपल सा फंडा है और ये कॉस ऑफ क्या बनेगा मेरे पास ये 60 है 30 बन जाएगा कॉस 30 का स्क्वायर बाई कितना है ये मेरे पास 5/2 दे रखा है ना तो 5/4 बन जाएगा यानी 45 का स्क्वायर बन जाएगा तो कॉस 30 क्या होता है मेरे पास रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास कॉस 41 बाय रूट टू का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा 3 ऊपर बन गया और ये 2 ऊपर जाएगा नीचे 4 बन जाएगा तो 3:2 आ जाएगा मेरे पास सिंपल वन लाइन सॉल्यूशन था अरे जिनका नहीं हुआ उनको आ गया समझ में ठीक है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है कोई खास बात नहीं है इसमें अब तक कोई कंसेप्ट लगा ही नहीं है कंसेप्ट लगेंगे थोड़ी देर बाद ठीक है जी अभी तो सिर्फ फॉर्मूला याद करा रहा हूं चलो बच्चा अब एक ठीक ठाक सवाल करते हैं एक येलो लाइट यूज की हमने येलो लाइट यूज की YDSC में उसकी वेवलेंथ दे रखी है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है आपको और जो फ्रिंज विड्थ मिली यानी बीटा जो बीटा मुझे मिला बच्चा वो मिल गया मुझे 0.8 मिलीमीटर येलो लाइट से ठीक है जी अब वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं इस येलो लाइट को रिप्लेस कर दूं इफ आई रिप्लेस येलो लाइट बाय अनदर लाइट जिसकी वेवलेंथ है कितनी 7500 एंगस्ट्रॉम ठीक है और सेपरेशन बिटवीन स्लिट बढ़ा दूं एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज डबल्ड लाइट भी चेंज कर दी मैंने और सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को डबल कर दिया तो अब बताओ अब फ्रिंज विड्थ क्या होगी नाउ न्यू फ्रिंज विड्थ कितनी होगी ये सवाल है बच्चा पहले बताओ सवाल समझ में आ गया ये भाई पहले मैंने येलो लाइट ली उसकी लैम्डा दे रखी थी मेरे को तब फ्रिंज विड्थ ये मिला मेरे को फिर मैंने उस येलो लाइट को रिप्लेस कर दिया किससे एक दूसरी लाइट से जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 7500 और साथ में क्या किया मैंने सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स मैंने बढ़ा दिया डबल कर दिया बेसिकली तो अब नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी ये सवाल पूछा है तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड अगर बुद्धि लगाओगे तो हो जाएगा
कर पाओगे या मैं कराऊं? चलो करो फिर। सोलह आ रहा है, 16/4, 16/75। नहीं नहीं आदित्य का सही है, बिंदु का सही है, योगिता का भी सही है। तेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है, वो महक थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकती, कर ले यार। साक्षी जी गलत है आपका, कुछ कैलकुलेशन एरर है पक्का आपका, 100% दिमाग आप में बहुत है, मानता हूं मैं। कैलकुलेशन में मार खाते हो आप हमेशा। सीमा जी गुड, शाबाश। चलो भाई सुनो, देखो सबसे पहले आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो था मेरे पास लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इस चैप्टर की जान है, ठीक है जी। तो अब सुनो, पहले वाले जो फ्रिंज विड्थ है, मैं इसे नाम देता हूँ बीटा वन। क्या नाम दे रहा हूँ? बीटा वन। तो वो क्या आएगा मेरे पास? लैम्डा वन, पहले लाइट की वेवलेंथ लैम्डा वन, 6000 को मैं लैम्डा वन लिख रहा हूँ, और डी और बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी होता है स्क्रीन के बीच की दूरी, और स्मॉल डी होता है मेरे पास दो स्लिट्स के बीच की दूरी। अब जो बीटा टू है मेरे पास, वो क्या आएगा? लैम्डा टू, क्योंकि लैम्डा बदल दिया। क्या हमने कैपिटल डी बदला? नहीं, कैपिटल डी नहीं बदला हम लोगों ने, सिर्फ छोटे डी को डबल कर दिया। तो ये बीटा वन आ गया और ये बीटा टू आ गया मेरे पास, ठीक है जी। तो अब मुझे करना क्या है? बीटा टू बाय बीटा वन निकाल लूं, बीटा टू बाय बीटा वन लेता हूं नीचे, मान लो मैं वो आएगा लैम्डा वन डी बाय डी, इन दोनों का रेशियो ले लूं। तो डी ने डी को मार देना है, दोनों डी ने कट जाने आपस में। तो बीटा टू की वैल्यू क्या आएगी? बीट बाय बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू, कितना बच्चा अपने पास? 7.5, मतलब ये 7000 × 10^-10, ठीक है जी, बाय टू बचेगा मेरे पास। और यहाँ पे लैम्डा वन कितना मेरे पास? 6000 था लैम्डा वन मेरे पास, ठीक है जी। तो 6000 बन जाएगा × 10^-10, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या मेरे पास? नहीं, इतना ही बच रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये बच गया 10^10, ने मार दिया यहाँ पे, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, तो बन गया मेरे पास कितना? कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? रुक गया, कुछ गड़बड़ की है मैंने यार, नहीं गड़बड़ नहीं की, सही है। 75/120 बन गया मेरे पास, 75/120, ठीक है। तो बीटा टू बाय बीटा वन की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है? बीटा टू निकालना है। तो बीटा टू की वैल्यू क्या होगी? बीटा वन इंटू 75/120, 75 × बीटा वन कितना रखा है बच्चा मेरे को? बीटा वन दे रखा है 0.8, तो 8/10 इंटू 75/, ये आंसर आ रहा है मेरा। कटता है कुछ यहां से यार, करना कैलकुलेशन। इसका आंसर क्या आएगा? 8/10 इंटू 75/, कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने ना? गड़बड़ तो नहीं है। क्या रहा बच्चा इसका आंसर सॉल्व करने पे?
एट को मीटर में ही बदलना पड़ेगा। हाँ सही कह रही है, 0.8 मेरा दे रखा था ना, 0.8 मिलीमीटर था ना ये। हाँ 0.8 इंटू 10 की पावर -3 किलो करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ 10 के -3 कर दिया, तो वह काट पीट के मेरे पास जो आंसर आ रहा है बच्चा, वो मेरे पास ये दिया हुआ है 0.5 mm आ रहा है काट पीट के। कैलकुलेशन कर लो, कंसेप्ट तो बच्चा यही है। ठीक है जी, तो दोनों का रेशियो ले लो, बस सिंपल सी बात है। अरे कितने लोगों का इस सवाल समझ में आ गया? अरे कोई ऐसा व्यक्ति से सवाल समझ में आया बता दो प्लीज। ठीक है बच्चा, रेशियो लेना, सिंपल सिंपल सवाल है, कोई खास बात इसमें है नहीं। अब नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ, चलो ये नेक्स्ट सवाल तुम खुद करना, ठीक है जी, इजी है काफी, बट सीबीएसई ने पूछा हुआ है। फ्रिंज विड्थ दे रखी है आपको, फ्रिंज विड्थ आपको दे रखी है वाईडीएससी में, वाईडीएससी में बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 2.4 × 10⁻⁴ मीटर जब रेड लाइट को यूज करते हैं। ये कब, जब रेड लाइट को यूज करते हैं तो फ्रिंज विड्थ इतनी आती है, उसकी वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। और हाफ बाय हाउ मच पूछा उन्होंने, बाय शब्दों पे ध्यान देना, बाय हाउ मच विल फ्रिंज विड्थ चेंज। इफ ब्लू लाइट इज यूज्ड, और उसका लैम्डा दे रखा है आपको कितना बच्चा, 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो कितना चेंज आएगा फ्रिंज विड्थ में, वो पूछा है। नहीं फ्रिंज विड्थ नहीं पूछी आपसे, चेंज पूछा है बच्चा, तो फटाफट निकालो इसको क्या आएगा। सवाल समझ में आ गया, पहले मैंने रेड लाइट यूज की तो फ्रिंज विड्थ कितनी आई, 2.4 × 10⁻⁴ मीटर आई। फिर मैंने क्या किया कि लाइट ब्लू कर दी तो उससे कुछ फ्रिंज विड्थ आएगी, उन दोनों फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस निकालना आपको। योगिता जी गलत है, बिंदु जी थोड़ा सा गलती है, 0.9 आ रहा है आपका, 0.8 आ रहा है। सबका 0.8 आ रहा है क्या यार, शायद मेरी गलती है, फिर देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो भाई सुनो, बीटा 2 बाय बीटा 1 क्या आएगा मेरे पास, अगर बात करूं मैं, वो था लैम्डा 2 डी बाय डी, और ये था लैम्डा 1 डी बाय डी। डी ने डी को मार देना है, कैपिटल डी ने कैपिटल डी को मार देना है, तो बेसिकली रेशियो क्या आएगा, बीटा 2 की वैल्यू आएगी लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, तो बीटा 2 की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आ जाएगी लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इंटू बीटा 1। लैम्डा 2 कितना है बच्चा मेरे पास, वो है मेरे पास 4000, और वो है नहीं सॉरी, हाँ एक तो 4000 है, एक 6400 है, ठीक है जी, तो एक तो 4000 है और एक है मेरे पास 6400, दो जीरो काट दिए और कटता है कुछ, ये 4 से कट रहा है 10, और ये कितना आएगा 15 16 आ जाएगा, तो
तो 5/8 आ गया, 5/8 इंटू कितना है फ्रिंज विड्थ दे रखी है अपने को, वो 2.4 × 10⁻⁴ दे रखा है, तो ये 8 से कटेगा तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 इंटू 5 यानी 1.5 × 10⁻⁴, 1.5 × 10⁻⁴, ये मेरी नई फ्रिंज विड्थ आ गई बीटा 2। निकालना क्या, चेंज निकालना है, चेंज जो होता है वो पहले वाले में से दूसरा वाला कटा दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा मेरे पास, 2.4 × 10⁻⁴ माइनस 1.5 × 10⁻⁴, तो भैया 5 ये 9 आ रहा, 0.9 × 10⁻⁴। हमारा 0.8 कैसे आया चमत्कारी बालकों, अच्छा मैंने 6 दे देगा आपको, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी चलो कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक होगी मुझसे, कोई बात नहीं, 6000 के हिसाब से वही आएगा आपका, सही है सही है, ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक आई एक्सेप्ट। चलो ओके भाई, चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा, एक YDSC एक्सपेरिमेंट है, ये भी CBSE का सवाल है, YDSC में क्या बोल रहा है बच्चा, इसने वेवलेंथ यूज की 4000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ यूज करी 4000 एंगस्ट्रॉम और उसे फ्रिंज विड्थ मिली, फ्रिंज विड्थ मिली x, उसने लाइट यूज की 4000 एंगस्ट्रॉम की और फ्रिंज विड्थ मिली उसे x, फिर क्या किया उसने, उसने क्या किया, अब लाइट यूज की 6000 एंगस्ट्रॉम की, अब लाइट यूज कर रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम की यूज कर रहा है वो, और उसने क्या किया, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को हाफ कर दिया, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को उसने हाफ कर दिया बच्चा, तो अब वो पूछ रहा है कि अब वो चाहता है कि उसे सेम फ्रिंज विड्थ मिले, उसे एक्स ही फ्रिंज विड्थ मिले, सेकंड केस में भी, तो बताओ रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन क्या हो, मतलब कैपिटल डी का रेशियो क्या होगा, दोनों में सेम तो नहीं आएगी, डिफरेंट ही आएगी मेरे पास, एक में डी1 मान लो एक में डी2 मान लो, तो आपको d1/d2 का रेशियो पूछ रहा है आपसे, वो सवाल समझ में आ गया बच्चा, अरे सवाल समझ में आया, ठीक है जी करो फिर सवाल को, थ्री इज टू वन इज राइट, दो बच्चों का सही आ गया है, योगिता और साक्षी का सही है, बिंदु का भी सही आ गया, अदिति गुड शाबाश, आसान ही है कुछ है ही नहीं, देखो सवाल में कुछ है ही नहीं, जो करना क्या है दोनों के फ्रिंज विड्थ सेम करने हैं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के फ्रिंज विड्थ एक्स करने हैं मेरे को, तो पहले वाले का फ्रिंज विड्थ क्या आएगा मेरे पास, लैम्डा 1 d1 बाय d, दूसरे वाले का क्या आएगा मेरे पास,
लैम्डा टू डी टू बाय, इसको हाफ कर रखा है यानी डी बाय टू कर रखा है। तो अब देखो करना क्या है, डी थ्री को मार देगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं डी वन बाय डी टू की बात करूं, डी वन बाय डी टू की बात करूं तो वो क्या आएगा मेरे पास, डी से डी कट जाएगा, तो वो मैं बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ लैम्डा टू बाय लैम्डा वन बन जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। तो टू तो है ही, और लैम्डा वन कितना था मेरे पास, चार हजार था ना लैम्डा वन, तो नीचे चार हजार आ जाएगा, ऊपर छह हजार आ जाएगा। अब कट जाएंगे तो 12/4 यानी 3:1 आ रहा। सीमा जी क्या गलती की थी, पल्लवी जी और सीमा जी क्या गलती की थी, डी सेम ले लिया, वेरी गुड। डी तो आता लिखा है ना बच्चा सवाल में, चलो कोई बात नहीं। और पल्लवी जी आपका, पल्लवी कैलकुलेशन तुम बायो वाले हो ना पल्लवी, पक्की बात है। तुम सारे अच्छे बच्चे, जितने बच्चे तुम अटेंड कर रहे हो ना क्लास, सारे अच्छे बच्चे, तुम सारे हरे रैंक निकाल सकते हो बड़े प्यार से। भगवान तुम्हें इस साल सक्सेसफुल कराए। ओके, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड है साक्षी जी। चलो एक YDS एक्सपेरिमेंट है, एक नई प्रोफाइल बता रहा हूं, सिंपल था, ऑल्दो है फुद्दू, बिल्कुल कुछ खास बात नहीं है, बट एक नया तरीका, नई चीज है। एक YDS एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं, ठीक है जी। उसके अंदर मुझे फ्रिंज विड्थ मिली, फ्रिंज विड्थ बीटा मिली मुझे कितनी, वो मिली 2 mm, कितनी मिली 2 mm। और जब मैंने लाइट यूज की 6000 एंगस्ट्रॉम की, जब लैम्डा मैंने 6000 यूज किया तो मुझे बीटा कितना मिला, 2 mm का मिला, ठीक है जी। अब मैं पूछ रहा हूं कि कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ इफ एंटायर apparatus is immersed in water, water में इमर्स करते हैं, अगर YDSC सेटअप है, जो मेरा सेटअप है YDSC का, उसको मैं पानी में डाल दूं और पानी का म्यू दे रखा है आपको 4/3, तो बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। सवाल समझ में आया, अरे भाई सवाल समझ में आया या मैं करूं रिप्लाई, तो करता रहो, सिंपल वाई लिख दो या एन लिख दो, ठीक है ट्राई करो फिर।
सेम रहेगी शायद. नहीं, यू आर रॉन्ग. चलो बच्चा सुनो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका. डिक्रीज करेगी, शाबाश. हाँ डिक्रीज तो करेगी, गुड. बिंदु बोल रही है 1.5 एमएम मे बी. यस बिंदु, यू आर राइट. नहीं बच्चा सुनो, सीमा जी आपके डाउट जेन्युइन है, सुनो. पानी में डुबोने से, देखो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. पानी में डुबोने से ना तो कैपिटल डी बदलेगा ना स्मॉल डी बदलेगा, नो चेंज. तो बदलेगा क्या बच्चा, लैम्डा बदलेगा. याद करो वी इज इक्वल टू, मैंने एफ लैम्डा लिखवाया था आपको. वी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा उसकी वेवलेंथ, एफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी, ये वेवलेंथ, ये वेलोसिटी और ये फ्रीक्वेंसी. जब मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो बताया था मीडियम चेंज करने पे, मीडियम चेंज करने पे फ्रीक्वेंसी में नो चेंज और वेलोसिटी और वेवलेंथ पे चेंज आता है. तो मुझे पता है मीडियम के अंदर रफ्तार कम हो जाती है ना, कितने टाइम्स कम हो जाती है, म्यू टाइम्स कम हो जाती है. तो रफ्तार कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी म्यू टाइम्स. तो पहले मेरा लैम्डा था, अब मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश जो आएगा वो आएगा लैम्डा बाय म्यू. इतनी बात पल्ले पड़ रही है कि मीडियम चेंज करने पे ना तो डी बदलेगा, कैपिटल डी बदलेगा, ना स्मॉल डी बदलेगा, सिर्फ लैम्डा बदलेगा. और लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू, वेयर म्यू इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. बात चमकी? चलो अब देखो सिंपल सा फंडा है मेरे पास क्या. बीटा का फॉर्मूला जो था मेरे पास वो था लैम्डा डी बाय टी, और बीटा डैश का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा बाय म्यू इनटू डी बाय टी. इन दोनों का रेशियो ले लूं मैं तो लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, डी ने डी को मार दिया और स्मॉल डी ने स्मॉल डी को मार दिया. तो बीटा बाय बीटा डैश इज नथिंग बट म्यू ऊपर चला जाएगा मेरे पास, बाकी सब तो कट गया बच्चा मेरे पास. तो बीटा डैश की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी बीटा बाय म्यू, बीटा बाय म्यू. बीटा आपको दे रखा है बच्चा कितना, 2 mm, और म्यू की वैल्यू है 4/3, तो 4 यहाँ पे और 3 ऊपर, तो यानी 6 mm बाय 4, यानी क्या आएगा बच्चा 1.5 mm. बिंदु आपका सही था. हाँ जी सीमा जी सही है आपका. साक्षी जी फिर से गलती, इस बार क्या पाप किया कैलकुलेशन में आपने. अदिति जी आंसर आ गया आपका. अदिति हाँ जी, साक्षी जी क्या गलती की बताओ मेरे को, कैलकुलेशन किया इस बार भी या कंसेप्चुअल मिस्टेक था. कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं वैसे, फॉर्मूला बेस्ड ही है. इसके बाद से जो सवाल आएंगे कंसेप्चुअल आएंगे, अब जो सवाल कराऊंगा सारे कंसेप्चुअल होंगे. कोई बात नहीं साक्षी, ध्यान रखो आप होशियार बच्चे हो यार. ठीक है चलो, अब कंसेप्चुअल सवाल स्टार्ट हो रहे हैं. अब तक सारे फॉर्मूला बेस मैंने करा दिया आपको, ठीक है जी, अब कंसेप्ट बेस सवाल स्टार्ट हो जाएंगे. चलो बी रेडी. YDSC एक्सपेरिमेंट है, उसमें मैंने रेड लाइट यूज की जिसकी लैम्डा दे रखी है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम. रेड लाइट यूज की जिसकी वेवलेंथ थी 6000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है जी, तो इसका nth ब्राइट फ्रिंज, इसका nth ब्राइट फ्रिंज जो बना बच्चा वो बना पॉइंट P पे.
is formed at point P on the screen. ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्लाइड को चेंज कर दिया, लैम्डा को चेंज कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू जो मैंने करती है वो करती 5000 एंगस्ट्रॉम पर. ठीक है जी, अब मुझे इस लैम्डा के कारण मुझे अब n+1 ब्राइट फ्रिंज मिला, कहां पे, पॉइंट पी पे. तो पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन. सवाल समझ में आ रहा है? मान लो ये पहला मैक्सिमा रेड वाले का, ये दूसरा मैक्सिमा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ये रेड वाले का मैक्सिमा. ठीक है जी, अब दूसरे वाले का लाइट चेंज कर दी तो मैंने क्या किया, दूसरे वाले का ऐसे बनेगा. तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे दोनों के सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं बच्चा. ठीक है जी, जैसे मान लो मैं बताता हूँ आपको, मैं इसी सेम बनाने की कोशिश करता हूँ. मान लो ये रेड वाले का था, ये मेरा 5000 वाले का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे ही दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं कुछ. तो एन की वैल्यू निकालनी है. अरे सवाल समझ में आया? चलो सवाल करो फिर, नहीं होता मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो करो एक मिनट. वही आ रहा है, गुड, शाबाश साक्षी जी, वेरी गुड, ब्रिलियंट, शाबाश. तुम सब में दिमाग तो बहुत है. जब मैं 12th में था इतना होशियार नहीं था. चलो भाई मैं कराऊं क्या, क्या ट्राई कर रहे हो, हिंट तो दो मेरे को, ट्राई कर रहे हो या मैं कराऊं? इतना लंबा सवाल ही नहीं है यार, कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, लंबा है ही नहीं, दो लाइन में काम हो जाएगा.
अब मैं कह रहा हूँ तुम जवाब भी देते नहीं यार, बिल्कुल अजीब हो यार तुम लोग। आना तो बोलते कम से बंदा। करा दो, चलो करा दो। अदिति गुड, शाबाश, फाइनली यू गॉट इट, शाबाश। थोड़ा टाइम तो लगाया बट गुड, सवाल करना एक बड़ी बात। चलो सुनो, मान लो मेरे पास ये स्क्रीन है, सुनो भाई, ये स्क्रीन है मेरे पास और ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है जी। योगिता जी गुड, शाबाश। सुनो, ये कोई पॉइंट पी है, मान लो ये कोई पॉइंट पी है, जब मैंने लाइट यूज की जिसकी वेवलेंथ थी मेरे पास मान लो क्या 6000 थी मेरे पास, तो उसका पहला मैक्सिमा बताओ। अगर पहला मैक्सिमा की बात करूं, पहला मैक्सिमा बनता कहां पे, याद करो, लैम्डा डी बाई डी पे बनता था बच्चा, ये फर्स्ट मैक्सिमा बनता था। तो सेकेंड मैक्सिमा कहां बनेगा इसका, याद करो, टू लैम्डा डी बाई डी पे। तो इसने बोला कि इसका एनएथ मैक्सिमा बन रहा है, इसका एनएथ मैक्सिमा बन रहा है यहां पे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, एन लैम्डा डी बाई डी। इतनी बात सब लोग मानते हो? अरे पॉइंट पी की जो दूरी होगी सेंट्रल मैक्सिमा वो क्या हो जाएगी, एन लैम्डा डी बाई डी, सब लोग मानते हो? ठीक है, अब सुनो, अब मैंने दूसरी लाइट यूज कर ली, दूसरी लाइट यूज कर ली हम लोगों ने, तो वो दूसरी लाइट के कारण देखो उसके जो आएंगे ना, देखो डी और डी दोनों के लिए सेम है, ठीक है जी, फर्क किसका है, लैम्डा का। तो उसका जो वेवलेंथ दे रखा है बच्चा, वो क्या दे रखा है अपने को, 5000 दे रखा है। तो इसका फर्स्ट मैक्सिमा यहां आया था पहले वाले का, तो दूसरे वाले का कम आएगा क्योंकि उसका लैम्डा कम है, तो ये उसका फर्स्ट मैक्सिमा होगा, ठीक है जी। यहां कहीं उसका सेकंड मैक्सिमा आएगा, कम आएगा हमेशा, तो इसका जो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा वो आएगा कहां पे, लैम्डा टू। इसका मेरा लैम्डा वन मान लेता हूं मैं, इसका लैम्डा टू डी बाई डी पे फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, सेकंड मैक्सिमा कहां पे आएगा, टू टाइम्स लैम्डा टू डी बाई डी। ऐसे ही पी पे उसका क्या बन रहा है, पी पे उसने बोला है उसका एन प्लस वन एथ बन रहा है, एन प्लस वन एथ मतलब वो उसके अकॉर्डिंग जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, एन प्लस वन इंटू लैम्डा टू डी बाई डी। तो ये दूरी तो सेम ही है सेंट्रल मैक्सिमा से, पी की दूरी सेम है, फर्स्ट वाले के लिए क्या आई थी, एन लैम्डा वन डी बाई डी, तो पहले वाले के लिए आई एन लैम्डा वन डी बाई डी, दूसरे अकॉर्डिंग क्या आ रही है, एन प्लस वन लैम्डा टू डी बाई डी। अब डी बाई डी सब में सेम है तो मतलब कट जाएगा दोनों, तो फर्क क्या बचा, एन इंटू लैम्डा वन, लैम्डा वन क्या दे रखा आपको 6000, और ये एन प्लस वन इंटू क्या दे रखा बच्चा आपको, 5000 दे रखा है, तो 5000 ने 3 जीरो को काट दिया बच्चा यहाँ पे, तो क्या बन गया, 6n इज इक्वल टू 5n प्लस 5, तो ये 5n अंदर चला जाएगा, क्या बचेगा, n बच जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। कंसेप्ट समझो, P पॉइंट पे उसका nth बन रहा था और उसका n प्लस 1th बन रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग दूरी क्या आएगी, n टाइम्स लैम्डा 1 डी बाई डी, और उसके अकॉर्डिंग दूरी क्या आएगी, n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा 2 डी बाई डी। बात चमकी? कितने लोगों को बात चमक गई, सीबीएसई का फेवरेट सवाल है ये, सीबीएसई हर साल घुमा फिरा के ये पूछती है, कम से कम 7-8 बार आ चुका है ये। चलो और ट्राई करते हैं फिर, अगर ये आ गया तो और ट्राई करते हैं। चल एग्जाम्पल देखते हैं एक और,
इस पे तीन चार सवाल है, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है जी, वन बाय वन करते हैं। तीन अच्छे सवाल बनते हैं, एक तो मैंने करा दिया आपको, दो और अच्छे सवाल करा दूंगा आपको। सुनो क्या बोल रहा है आपको कि स्मॉल डी दे रखा है आपको, वो दे रखा है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है जी, और कैपिटल डी दे रखा है आपको 1.5 मीटर। उन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वेवलेंथ, ये सवाल करो, अच्छा सवाल है ये भी। सवाल समझ में आ गया, छोटा डी रखा है, बड़ा डी रखा है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। वेवलेंथ पूछी आपसे, आंसर बता दे योगिता, आंसर में डंका है नहीं इसका। आंसर तुम्हारा गलत लग रहा है, दोनों का, योगिता का भी गलत लग रहा है और आपका भी गलत लग रहा दीदी। चलो मैं कराता हूं, तुमसे नहीं हो पा रहा, सुनो। तूने काम तो सही किया है योग, तो तूने काम तो बिल्कुल सही किया है। साक्षी का सही है भाई, शाबाश साक्षी, गुड शाबाश, लगाया था तुमने, पर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की। कुछ योगिता ने भी सही लगाया, ठीक है, लेकिन तुम्हारी गड़बड़ क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक आ पा रही। सुनो देखो बच्चा, ये तुम्हें याद होना चाहिए, देखो सुनो, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ये मान लो सेंट्रल मैक्सिमा है, फर्स्ट मिनिमा जो बनता है बच्चा वो बनता है लैम्डा डी बाय 2D पे बनता है, ठीक है बच्चा, और जो सेकंड बनता है वो बनता है 3 लैम्डा d/2d पे बनता है, थर्ड बनता है मेरे पास क्या 5 लैम्डा d/2d पे, और फोर्थ बनता है मेरे पास कितना 7 लैम्डा d/2d पे। तो पूछा क्या है, फोर्थ डार्क फ्रिंज, तो फोर्थ डार्क फ्रिंज की वैल्यू कितनी है, 7 लैम्डा d/2d, तो 7 लैम्डा d/2d की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चा कितनी, 1.8 सेंटीमीटर, यानी 10^-2 कर दू, और 7 लैम्डा तो निकालना ही है, डी 1 मीटर में 1.5 दे रखा है, यानी 3/2 पुट कर देता हूं मैं, और स्मॉल डी 2 × 10^-4 कर दू इज इक्वल टू 1.8 × 10^-2,
ये मेरा आ रहा है भाई, ये 3 है, देखो मेरी राइटिंग पर माशाल्लाह, ये 3 है, ये 2 है, तो लैम्डा निकालना है भाई। कंसेप्ट तो बच्चा यही है, कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। साक्षी ने कैलकुलेटर यूज किया इस बार, गुड, शाबाश भाई, कैलकुलेट कर रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आया आपको? दिशा तरह से सही है। हाँ, कैलकुलेशन गलत होता है, गंदी वाली कैलकुलेशन है, इसमें सबकी गलत होती है भाई। मेरे पास लैम्डा आंसर था, तो आंसर जो मेरे पास है वो है 6.8 × 10⁻¹⁷। ये आंसर क्या बना मेरा? कैलकुलेशन करना गंदी वाली है भाई, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस, बाकी तुम कर लेना भाई, मेरा काम है कंसेप्ट बताना, कैलकुलेशन तुम कर लो अपने आप, गंदगी है थोड़ी सी। कर लोगे? आंसर बता दिया मैंने, चलो इस बार साक्षी ने कैलकुलेटर यूज कर काम चला लिया, बाकी लोगों ने यूज नहीं किया। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चा हम लोग। हाँ, ऑनेस्ट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी है, पर आजकल ऑनेस्ट ही नहीं चलती। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस है बच्चा, प्योर प्रैक्टिस, ठीक है। YDSC एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। उसके अंदर हमने क्या किया, स्लिट्स का सेपरेशन दे रखा है आपको 3 मिलीमीटर, और लाइट की लैम्डा दे रखी है आपको 480 नैनोमीटर, या फिर 4800 एंगस्ट्रॉम ले लो, एक ही बात है, ठीक है जी। और स्क्रीन 2 मीटर दूर है, स्क्रीन 2 मीटर की दूरी पे है, और पूछा क्या है, कैलकुलेट द सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन 8 ब्राइट फ्रिंज एंड 3rd डार्क फ्रिंज। आठवें ब्राइट और तीसरे डार्क के बीच का सेपरेशन बताएं। लेक्चर दे रहा हूँ, 11 बजे 20 मिनट रुक सकती क्या? 20 मिनट रुक गया बस, ठीक है, फिर फोन करता हूँ, ठीक। हाँ जी, आ रहा है, सही है योगिता, गुड, शाबाश। Without use of calculator, then you are wrong, na?
दोनों का सेंटर से डिस्टेंस निकालना और ऐसा ट्रैक करें। हाँ सही कह रहे सीमा जी। साक्षी जी दिस टाइम आई एम अफ्रेड यू आर रॉन्ग, थोड़ी सी गलती आ रही है। अरे योगिता तू तो फिर मैथ्स वाली है ना, तू साक्षी बायो वाली है। बट गुड गुड जॉब योगिता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा टॉप कर सकते हैं आराम से, मतलब एक नंबर ना कटे, ऐसे बच्चे हो तुम लोग, बस तुम थोड़ा ध्यान दो, बाकी सब तुम्हारा सिस्टम सही है। हाँ जी गुड है जी, दिशा जी गुड, शाबाश। अरे रे रे रे, फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक अदिति जी। चलो सुनो, देखो भाई पहली चीज देखो, बिंदु जी गलत है आपका, आपने डबल कर दिया, आंसर डबल आ रहा है आपका। बिंदु जी आंसर डबल आ रहा है, उसको हाफ करना, आपने हाफ करना भूल गए शायद। चलो सुनो, देखो बच्चा सुनो, अरे देख लो, हाँ जी बिंदु जी गुड शाबाश, हाफ नहीं किया, वही तो कह रहा हूँ हाफ करना भूल गया। तो सुनो बच्चा देखो क्या बोल रहा है वो, पहले तो बोल रहा है एट्थ ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल मैक्सिमा से पहला ब्राइट होता है लैम्डा डी बाई डी पे, दूसरा टू लैम्डा डी बाई डी पे, तो आठवां किधर होगा, एट लैम्डा डी बाई डी पे होगा बच्चा, तो आठवां तो यहां कहीं है मान लो एट लैम्डा डी बाई डी पे, और मुझे पता है डार्क फ्रिंज जो होता है वो होता है लैम्डा डी बाई टू डी, फिर थ्री लैम्डा डी बाई टू डी, ऑड मल्टीपल होता है बेसिकली, फिर होता है मेरा फाइव लैम्डा डी बाई टू डी, फिर सेवन लैम्डा डी बाई टू डी, ऐसे होता है बच्चा। तो मुझसे पूछा क्या है बच्चा, इन्होंने थर्ड पूछा, तो थर्ड तो कहाँ पे है, फाइव लैम्डा डी बाई टू डी है, तो ये गैप क्या, ये आ गया फाइव लैम्डा डी बाई टू डी, तो इन दोनों का गैप पूछा है, ये वाला गैप, तो वो क्या आएगा एट लैम्डा डी बाई डी माइनस फाइव बाई टू लैम्डा डी बाई टी, ये बस पुट करना है बच्चा। लैम्डा पता है आपको, ठीक है, डी पता है, सिंपल काम है, कोई तो मुश्किल काम है ही नहीं। आठ में से ढाई गया तो बचेगा मेरे पास साढ़े पांच, साढ़े पांच लैम्डा डी बाई डी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। पुट कर देना, आंसर जो आ रहा है वो 1.76 आ रहा है बच्चा। जो भी गलती है आपकी कैलकुलेशन की गलती है और कुछ भी नहीं है, या फिर 1.76 mm। हाँ गलत ले ली थी, अच्छा n की वैल्यू गलत ले ली, कोई बात नहीं चलता है, यहां गलतियां कर लो एग्जाम में मत करना प्लीज, ठीक है जी। चलो एक लास्ट सवाल करते हैं, क्या होगा इसको, उसके बाद कल और फिर कल भी, कल का दिन भी हमारा सवालों का होगा, ठीक है जी। मैं सारे सवाल कराऊ, जितने भी आए हैं सब करा दूंगा सवाल, टेंशन ना लो आप, ठीक है जी। फिर आप बस प्रैक्टिस कर लेना एसएल से, आज और कल क्वेश्चन ही करेंगे बस, ठीक है जी। आज तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम कल फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, आज बेसिक करा दिए, कल एडवांस लेवल करा दूंगा थोड़े बहुत। मेरे पास दो सोर्स हैं, एक S1 और एक S2। S1 से जो निकल रही है इंटेंसिटी वो 25 आई है, और S2 से जो निकल रही है वो कितनी है, 16 आई है, ठीक है बच्चा। अब पूछा है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज मैक्सिमा टू मिनिमा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की आपको क्या निकालनी है, रेशियो निकालना है।
चलो करो। योगिता का आंसर भी आ गया भाई, शाबाश, गुड। योगिता सही है तेरा आंसर। चलो गुड साक्षी, गुड, शाबाश। सीमा जी गुड, शाबाश। सबने एक साथ आंसर दिया, गुड। पल्लवी जी गुड, शाबाश। आसान ही है, मुश्किल तो नहीं है। सबका आ गया क्या? देखो पहले सुनो, इसका नहीं आया सुन लो भाई। आई मैक्स का फॉर्मूला वो था मेरे पास, रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, और आई मिन का जो फॉर्मूला था मेरे पास वो था रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है बच्चा मेरे को। तो आई वन को क्या मान लू मैं, 25 i, आई टू को क्या मान लू मैं, 16 i मान लू। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है सिंपल, आई मैक्स टू मिन, ठीक है जी। तो ये रूट आई यानी 25 i मतलब 5 × √i, ये प्लस 4 × √i, नीचे क्या बन जाएगा, 5 × √i माइनस 4 × √i का होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर बनेगा तो ये 81 i बन जाएगा, और ये एक का आई बन जाएगा। तो आई ने आई को मार दिया तो 81:1। ठीक है बच्चा, कल फिर सवाल करेंगे। कल भी मैं 15-20 सवाल लेके आऊंगा, पर कल के सवाल अच्छे होंगे, मतलब आज के सवाल बेसिक इंट्रोडक्टरी थे मेरे पास, ठीक है जी। आज के सवाल करने में ठीक ठाक लगा, कुछ फील बड़ी चैप्टर की या बिल्कुल मजा नहीं आया आज? चैप्टर की फील आ रही है ना? ठीक है, कल भी लेके आऊंगा, कल थोड़े टफ लेके आऊंगा, ठीक है जी। पहले 5-7 क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं, बिल्कुल जैसे जेई मेंस लेवल तक के, फिर एडवांस ले जाऊंगा, ठीक है। तो कल भी लेक्चर हमारा लगेगा इसी का ही, क्वेश्चन YDSC करेंगे। इस चैप्टर में हमारा एक YDSC कंप्लीट है, उसके बाद बचेगा एक सिंगल स्लिट वाला डायफ्रेक्शन बचेगा, और एक पोलराइजेशन। चैप्टर बड़ा आसान है, फ्री के नंबर है, 5 से 6 नंबर का आता है चैप्टर ये, ठीक है जी। और ये फ्री के नंबर है मेरे हिसाब से, तो 12th वैसे पूरी फ्री के नंबर है, 12th में कुछ है ही नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बाय बाय बच्चा।